हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, तो फाइनली यार आपके सीसैप 2021 का जो है काउंसलिंग फाइनली स्टार्ट हो चुका है। एंड आज से चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड फीस पेमेंट, ये सब का जो है प्रोसीजर फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे यार इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको जो है चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है। भले ही आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि आपने जोसा काउंसिल में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका है, या तो फिर कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ पड़ा है, या तो फिर इवन आप सीसैप काउंसलिंग में जो है फर्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको जो है किस तरह से आप डायरेक्टली, यानी कि जो सारा काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करके आप डायरेक्टली सीसैप काउंसलिंग में जो है आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से मिस्टेक्स ये सबको नहीं करना है। एंड फाइनली ईयर सबसे बिगेस्ट डाउट ये आ रहा है कि भैया हमें जो सीट मैट्रिक्स में जो सीटें मिस बताई गई, जो वैकेंट सीटें मिस बताई गई है, उसमें तो जो है सीएससी ब्रांचेज की बहुत ही कम सीट, यानी कि बहुत सारे एनआईटी में तो सीएससी ब्रांच का तो वैकेंसी है ही नहीं। तो क्या हमें सीएससी ब्रांच के लिए जो है हमें जो है चॉइस फिलिंग में जो है करना चाहिए तो फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड कितने सीटें जो है सीएससी ब्रांच के लिए मिस वैकेंट है, ठीक है, क्या जो सीट वैकेंसी में जो सीटें बताई गई है सिर्फ और सिर्फ हमें चॉइस फिलिंग में उन्हीं सभी सीटों को जो है चॉइस में फिल करना चाहिए, तो फिर उसके अलावा और भी सीटों को मैं चॉइस में फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन सभी डाउट को यार मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ एंड मैं आपको पूरा इस डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका जो है चॉइस फिलिंग ऑर्डर, ठीक है, सभी एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का, कौन कौन से जो है ट्रिपल आईटी एनआईटी से ऊपर है, आपको चॉइस फिलिंग का पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके यार आईटी जेई प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करने के लिए अन अकेडमी की तरफ से सबसे बिगेस्ट अनाउंसमेंट, फास्ट ट्रैक योर आईटी जेई प्रिपरेशन विद अन अकेडमी सुपर 20 टॉप 500 रैंकर्स स्टैंड ए चांस टू अटेंड ए 2 डे इन पर्सन बूट कैंप, ठीक है। तो यार बेसिकली 2 डेज का एक पर्सन बूट कैंप होने वाला है, जिसमें कि इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं आईआईटी जेई के लिए एंड टॉप रैंकर्स हैं जो एआईआर रैंक होल्डर हैं, उनसे यार आप लोग जो है लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, लाइव जो है आप लोग Q&A कर सकते हो आईआईटी जेई के लिए। आपको सारा गाइडेंस, स्टडी स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको टॉप एजुकेटर का मिल रहा होगा एंड ऑल एक्सपेंसेस पेड इन पर्सन बूट कैंप, 2 डे जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आईआईटी जेई यार इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो इसको क्रैक करने के लिए क्या वो सीक्रेट है, वो सभी टॉप एजुकेटर एंड टॉप रैंक होल्डर से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। एंड इसके अलावा यार टॉप 20 स्टूडेंट को जो है 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाएंगे, बाकी स्टूडेंट को भी आपके रैंक के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आपका 3rd of December को जो है मेन मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको 30 नवंबर से ही आपका जो है फर्स्ट मॉक टेस्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यार इनरोलमेंट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इनरोल करें एंड आपको मेरा कोड यूज करना है कैपिटल में SONU123, ठीक है। इसके अलावा यार आईआईटी जेई मेगा ऑफर, आप अगर जो 30 नवंबर तक जो है 18 मंथ का कोई भी आईआईटी जेई प्लस या तो फिर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप 6 मंथ का आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एंड ऑफर वैलिड टिल 30 नवंबर ओनली फॉर न्यू यूजर्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा यार फोर क्लास 11th स्टूडेंट के लिए, जो कि क्लास 11 के साथ साथ जेईई एंड जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए यार 1st of December से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, गेट रेडी फॉर जेईई 2023 विद इंडिया टॉप एजुकेटर एंड कंप्लीट क्लास 11th इन 4 मंथ में आपका क्लास 11th कंप्लीट कराया जाएगा एंड देन आफ्टर आपको जो है 12th के साथ साथ जेईई एंड जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का लिंक यार मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इन सभी के लिए इनरोल करें एंड इनरोल करते टाइम आपको मेरा कोड यूज करना है कैपिटल में SONU123। सो चलो यार अब फाइनली इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूं कि क्या भैया जो सीट वैकेंसी में जो भी सीटें बताई गई है क्या उसी सीट को सिर्फ हमें चॉइस में फिल करना है या तो फिर और भी सीटें मिस खाली हो गई, ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे एनआईटी में मिस सीएससी का तो बहुत ही कम सीटें मिस बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको लेकर के यार सबसे पहले ये जो है यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये जो सीट वैकेंसी है ये टेंटेटिव यहाँ पे बताया गया, ठीक है। एंड टेंटेटिव का क्या मीनिंग होता है बहुत सारे स्टूडेंट को यार पता भी होगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट को आप लोग को जो है नहीं भी पता होगा, ठीक है। टेंटेटिव का यार मतलब ये होता है कि अभी तक जो है इतने सारी सीटें ये जो वैकेंसी में जो सीट वैकेंसी में जो बताया गया है, ठीक है, तो ये जो यार सीट वैकेंसी में जो जितने भी सीटें मिस बताई गई है तो इसका मीनिंग यार ये नहीं है कि आपका सभी एनआईटी में बिल्कुल ही यानी कि इतने इतने सीटें भी बची हुई है, ठीक है। इसके अलावा यार और भी बहुत सारी सीटें जो है मिस खाली होगा आपका जैसे ही आपका सीस है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो है फाइनली सीट अलॉटमेंट का जो है रिजल्ट आउट होगा तो बहुत सारी सीटें जो है आपका और भी वैकेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग पढ़ भी सकते हो, फॉलोइंग वैकेंट सीट्स आर टेंटेटिव ओनली, कैंडिडेट्स मी ऑल्सो फिल दोज चॉइसेस विच आर नॉट लिस्टेड इन दिस टेबल, ठीक है। यानी कि यार अब देखो यार कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और भी बहुत सारी सीटें जो है वैकेंट होगी, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि यार यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी जो है बायोटेक्नोलॉजी में एंड और भी केमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि लो ग्रेड के जितने भी ब्रांचेज है वो सब सीटें बचा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे जो है कम एनआईटी में जो सीटें मिस बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बहुत जब सभी जो है सीटें मिस फिल हो चुका है, ठीक है। जैसा कि यार मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, तो जैसा कि यार यहां पे आप लोग देख सकते हो एनआईटी अगरतला है, ठीक है। तो एनआईटी अगरतला में आप लोग देख सकते हो एक भी सीटें यहां पे जो है सीएससी ब्रांच का यहां पे वैकेंट है ही नहीं, ठीक है। यहां पे आप लोग देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का जो है वैकेंट सीटें हैं एंड केमिकल इंजीनियरिंग का है एंड सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, ये सब का, लेकिन सीएससी का नहीं है।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब यार ये नहीं है कि आपका जो है कंफर्म है एनआईटी अगर तल्ला में सीएससी का जो है सीटें वैकेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका इसमें सीएससी में जो है वैकेंट सीटें और भी वैकेंट हो सकती है, ठीक है। एंड इसके पीछे का यार देखो रीजन ये है कि जो स्टूडेंट्स मान के चलो एनआईटी अगर तल्ला में जो जोसा राउंड का काउंसिलिंग हो चुका है उसमें जो है बहुत सारे जो भी स्टूडेंट का एनआईटी अगर तल्ला में विद सीएससी ब्रांच का अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो सारे स्टूडेंट जो है एनआईटी अगर तल्ला में ही रहने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फिर से सीएससी राउंड काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड उनको मीन्स एनआईटी अगर तल्ला में जो सीएससी ब्रांच मिला है उनको यानी कि और कॉलेज का जो है अपग्रेडेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो करने वाले क्या है कि वो जो है सी सेवरन काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे एंड वो जो है एनआईटी अगर तल्ला से जो टॉप का जो कॉलेज है उस कॉलेज में विद सीएससी ब्रांच के जो साथ जो है वो अपना चॉइस को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार होगा क्या कि उनका अगर जो रैंक अच्छा है तो उनको एनआईटी अगर तल्ला का सीएससी ब्रांच फाइनली वो जो है वैकेंट हो जाएगी, उनको जो है यानी कि एनआईटी अगर तल्ला से जो टॉप का इंस्टीट्यूट है जो एनआईटी टॉप का है उस जो है एनआईटी में उनका जो सीएससी ब्रांच के साथ उनका जो अपग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एनआईटी अगर तल्ला में जो सीएससी का जो सीटें है उनका जो सीट थी वो तो फाइनली वैकेंट हो जाएगी फर्स्ट राउंड के बाद, ठीक है। तो यानी कि समझ सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि ब्रांच का अपग्रेडेशन करना होगा या तो फिर कॉलेज का अपग्रेडेशन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसीलिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया इस पीडीएफ में कि ये जो पीडीएफ है ये जो जितने भी सीटें बताया गया वो सिर्फ टेंटेटिवली है, ठीक है। यानी कि अभी तक का जिसमें जितना ब्रांच में जो है सीटें बची हुई है वो मिस बताया गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा फर्स्ट राउंड के जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा उसके जस्ट बाद यानी कि बहुत सारी जो है कॉलेजेस में बहुत सारे एनआईटी में जो है सीएससी ब्रांच के लिए भी सीट का वैकेंसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो जो कॉलेज में सीएससी ब्रांच के लिए नहीं सीटें अवेलेबल है तो उसके लिए आप लोग को फिल ही नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसे जोसा राउंड काउंसिल में आपने चॉइस फिलिंग किया था उसी तरह से सेम एज आपको जो है चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। एंड बाकी वैसे स्टूडेंट जिनको यानी कि कोई पर्टिकुलर ब्रांच में ही आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। यानी कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि आपको अगर जो चाहिए होगा कि नहीं हमें तो सीएससी आईटी या तो फिर ईसी ब्रांच में ही हमें सिर्फ एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को यार और भी अदर ब्रांचेज के लिए आपको जो है चॉइस में फिल ही नहीं करना है, ओनली एंड ओनली सीएससी यानी कि जो भी टॉप का इंस्टीट्यूट है जो भी टॉप का एनआईटी है सबसे फर्स्ट में एनआईटी त्रिची का सीएससी आईटी एंड ईसी एंड उसके बाद फिर एनआईटी वरंगल का सी एस सी आई टी एंड ई सी, ठीक है। एंड उसी तरह से जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी एन आई टी है उस तरह से सी एस सी आई टी ई सी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सी एस सी आई टी एंड ई सी ब्रांच इन तीनों ब्रांच में से या तो फिर आपको ओनली एंड ओनली सी एस सी ही चाहिए तो आपको इस तरह से चॉइस में फिल करना है, ठीक है। बाकी आपको अगर जो चाहिए कि नहीं हमें कोई भी एन आई टी मिल जाए या तो फिर कोई भी मिस ब्रांच में मिल जाए तो आपको सभी एन आई टी में आपको सभी ब्रांचेज के साथ आपको चॉइस में फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चॉइस में फिल करना है। बाकी वैसे स्टूडेंट जिनको कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट अभी तक हुआ ही नहीं पड़ा है तो आप यार अच्छे से ओपनिंग एंड क्लोजिंग करें कि यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखो, ठीक है। जोसा राउंड का जो 2021 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वहां पे आप लोग देखो कि कितना जो है क्लोजिंग रैंक गया है एंड आपको वैसे वैसे कॉलेजेस को भी चॉइस में फिल करना है कि आपका अगर जो रैंक जैसे कि 1 लाख रहेगा, ठीक है, तो वैसे कॉलेज को भी चॉइस में फिल करना है जिसका कि क्लोजिंग रैंक 1,10,000 1,15,000 भी गया हुआ हो, ठीक है। आपके रैंक के अराउंड में अगर जो चॉइस में फिल करोगे तो हो सकता है कि कट ऑफ ये सब ज्यादा जाए क्योंकि यार स्पेशल राउंड यानी कि जोसा राउंड का काउंसलिंग में जो है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है मिस थोड़ा सा अंदाज लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सी सेब राउंड के काउंसलिंग में यार कोई भी मिस परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी फिक्स नहीं होता है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना मिस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर जो पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो है हो सकता है इसका जो है कटअप बहुत ही ज्यादा जाए, आपको जो है जितना आपने रैंक पे जो है चॉइस फिलिंग किया हो वो कॉलेज का अलॉटमेंट हो ही नहीं, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग वैसे कॉलेज का भी करना है जो कि सबसे पहले आपका जो ड्रीम था जो टॉप का कॉलेज है उसे एंड बीच में आपके जो रैंक के अराउंड जो जो कॉलेज है जिसका क्लोजिंग रैंक है उस कॉलेज को चॉइस में फिल करना है। बाकी वैसे कॉलेज को भी चॉइस फिल करना है जो कि आपके रैंक के बहुत पीछे, ठीक है, यानी कि लो रैंक पे भी वो कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ पड़ा हो, ठीक है। बाकी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड मैं पूरा मिस डिटेल में बताने वाला हूँ। 70-80 कॉलेज का जो है चॉइस फिलिंग चॉइस का जो है प्रेफरेंस मेरे पास है तो वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज को चॉइस में रखना है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे कौन कौन से ट्रिपल आई टी कॉलेज है जो कि एन आई टी कॉलेज से भी टॉप का है तो उसे जो है एन आई टी से भी आगे आप लोग को जो है प्रेफरेंस में ट्रिपल आई टी कॉलेज को रखना है, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आई होप यार आपको जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो एंड आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप मेरे से पर्सनल जो है डाउट पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे वीडियो जेई 2022 के लिए बाकी आपका राउंड 1 का जैसे रिजल्ट का अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का जो है अलॉटमेंट होगा, फाइनली रिजल्ट आउट होगा तो वो सबसे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।